ये 20,000 किलोमीटर चली हुई है, एनआरआई के हाथ से चली हुई है, वो यूएसए में रहते हैं, इसलिए उन्होंने गाड़ी कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करी। इसीलिए कलकत्ता पूरे हिंदुस्तान से आदमी गाड़ी खरीदने आता है, यहाँ प्राइस भी कम है और गाड़ी भी अच्छी मिल जाती है। अभी हमारी एक ऑफर भी चल रही है, मैं आपको बता देता हूँ। दो हजार 15 मॉडल है, इसको हम बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहे हैं, सिर्फ 1 से 1 भाई कमेंट में पढ़ते रहता हूँ आप लोग भाई की लग्जरी कार का दिखाओ, तो जैसा कलेक्शन देख रहे हो ना भाई, बहुत हार्ड है, बोले तो पूरा नंबर वन बॉम है। तो आज मैं पुजोरो भी देखो यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये सब मैं सभी दिखाऊंगा। तो आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, प्यार किया है, तो बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आता हूँ। तो भाई आज टोटल गाड़ी जो देख रहे हैं ना एक लाइन से, बहुत हार्ड है भाई, वीडियो देखना पूरा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैं यहाँ पर बुलाऊंगा उनको, ठीक है, और बुलाने से पहले बोलेंगे जो लोग इस चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर लेना, इधर रेड करके सब्सक्राइब बटन है, ताकि कोई वीडियो मिस मत कर जाना, ठीक है, और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। बाकी एनीवे दिखाते हैं कैसा है भाई, यहाँ के बादशाह हैं तो भाई तो दिखाना मेरा जरूरी है, तो चलिए मिलवाते हैं उनसे और बात कराते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे है सर ये पहले बताइए। बढ़िया बढ़िया, बहुत स्मार्ट लग रहा है आज। अच्छा वो तो हम बचपन कार का कलेक्शन रखे हैं, बहुत अच्छा रखे हैं। तो सर बहुत डिमांड था लोगों की भाई की डी आर मोटो का जो लग्जरी कार के बादशाह है, मतलब जितना भी वो लोग कम है भाई, नहीं बादशाह नहीं है, नहीं आप बादशाह हो लोग कहते हैं। तो एनीवे आज हमें बताइए कि आप कौन कौन सी कार दिखाने वाले हैं आज। पहले आपको दिखाते हैं पजारो, पजारो स्पोर्ट्स। ये पजारो स्पोर्ट्स है 2015 मॉडल। अच्छा अच्छा 2015, ऑटोमेटिक गियर है ना, 8 सीटर है। अच्छा 8 सीटर कार है, वाइट कलर में पूरी ओरिजिनल पेंट में गाड़ी है, इवन बंपर्स आर आल्सो ओरिजिनल। अच्छा अच्छा, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में गाड़ी है, अनटच। अच्छा है ना, फुल ओरिजिनल पेंट में है। आ जाओ मैं दिखा देता हूँ इसको, टायर सारे नए हैं इसके, है ना। अच्छा। 2015 का मॉडल है। अच्छा अच्छा, ये ऑटोमेटिक गियर है, है ना, ऑटोमेटिक गियर है इसमें। हाँ जी, क्लच नहीं है, विदाउट क्लच आप ड्राइव कर सकते हैं, बहुत इजी टू ड्राइव होती है ये। अच्छा। म्यूजिक सिस्टम बढ़िया है, 8 सीटर है, 8 सीटर है ये। हाँ जी, ये कितना किलोमीटर चला हुआ है सर? ये 50,000 के आसपास चली है, इसको हम बहुत ही सही प्राइस में देंगे। नई का प्राइस इसका ऑलमोस्ट 35 के आसपास है। स्पेशियस है, बहुत स्पेशियस कार है, फॉर्चूनर बिक रही है क्योंकि चलो सब ले रहे हैं फॉर्चूनर, स्पेस उसमें बहुत कम है, इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अच्छा। पीछे लेग रूम बहुत अच्छा है, पीछे आगे लेग रूम बहुत अच्छा है इसका। 2015 मॉडल है, इसको हम बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहे हैं, सिर्फ 13.5 लाख रुपए में। 13.5 लाख। हाँ जी, और उसमें बैठने के बाद कुछ यार नेगोशिएबल? हाँ हाँ, जब आदमी सीरियस बायर आएगा, टेबल पे पेमेंट लेके रखेगा, तो फिर जरूर कुछ ना कुछ निगोशिएट करेंगे। सीरियस बायर के लिए नेगोशिएशन सब वैलिड है इसका। वैलिड है। हाँ जी। फर्स्ट ओनर या सेकंड ओनर? फर्स्ट ओनर, सिंगल ओनर कार। अच्छा, पुजोरो ये पेट्रोल में आता है या डीजल? डीजल 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 में आता है। आइए नेक्स्ट गाड़ी की तरफ दिखाते हैं आप लोगों को, ये कौन सी गाड़ी है सर? ये टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। अच्छा। 2017 मॉडल है, 2.4Z, है ना, 7 सीटर कार है ये। ये 7 सीटर है। हाँ जी, बकेट सीट्स हैं इसमें, फुल अनटच, बहुत अच्छी गाड़ी है और कंपनी मेंटेन्ड है। 50,000 किलोमीटर के आसपास चली हुई है ये गाड़ी। अच्छा। है ना, बहुत अच्छी कंडीशन में गाड़ी है। 50,000 किलोमीटर। हाँ, गाड़ी है कहाँ की? ये कोलकाता में है, सॉल्ट लेक में। अच्छा। हाँ ना, कोलकाता। मतलब, हाँ कोलकाता, सब कोलकाता रजिस्टर्ड। अच्छा। कार्स हैं, कोई अलग होगी तो मैं बता दूंगा आपको। इंटीरियर दिखा दो आप इसमें। हाँ बिल्कुल, इंटीरियर मैं दिखा देता हूँ। तो इसमें सर क्या क्या दिया हुआ है इसमें? कुछ इसमें वही सब कुछ है, स्टेयरिंग कंट्रोल, अलॉय व्हील्स, एयर बैग, सब कुछ है इसमें, बकेट सीट्स हैं। तो सर इसमें एयर बैग भी दिया हुआ है? हाँ हाँ।
इसका ऑन द रोड क्या प्राइस है सर, न्यू में, न्यू का बताइए। न्यू का इसका 24 लाख के आसपास प्राइस है। 24 लाख के आसपास है। हाँ जी, और जैसा देख रहे हैं ये सब दिया हुआ है। और कितना सीटर बोले सर? 7 सीटर। क्या इसका प्राइस है सर? इसका हमारा आस्किंग प्राइस है 15 लाख रुपया। 24 लाख के आसपास नई गाड़ी है, बहुत अच्छी कंडीशन में है, एज गुड एज न्यू। कोई भी लेता है वो सोचो उसने नई गाड़ी ले ली, ब्रांड न्यू कंडीशन में है ये। अच्छा, 50,000 किलोमीटर, कितना किलोमीटर चला हुआ है? 50,000। हाँ जी, ठीक है। ये मतलब फाइनेंस भी हो सकता है? फाइनेंस सिर्फ कल बंगाल का कस्टमर होगा तो जरूर होगा। अच्छा, सिर्फ बंगाल के लिए फाइनेंस है? हाँ, बाकी वो आदमी कोई बाहर से आता है तो वो अपने पास से पेमेंट लगाएगा, फिर वो अपनी स्टेट में जाके लोन करवा सकता है बाद में, लेने के बाद। अच्छा, और क्या कहते हैं, बाहर का कस्टमर आएगा NOC वगैरह दे देंगे उसको, वो बोलेगा उसके नाम पे यहीं कराना है तो यहाँ पे भी हो जाएगी उसके नाम। गाड़ी में कुछ फॉल्ट वगैरह सर क्या? कोई कोई किसी गाड़ी में 1 रुपए का काम नहीं है, हम क्वालिटी कार्स ही बेचते हैं। अच्छा, ये तो खैर महंगी गाड़ियाँ हैं, कम रेंज की भी गाड़ी कोई लेगा उसको कोई शिकायत नहीं आएगी हमारी गाड़ी में, बहुत बढ़िया कंडीशन में गाड़ी होगी जो भी होगी हमारे पास। और नेक्स्ट गाड़ी की तरफ चलते हैं। ये सर कौन सी गाड़ी है? ये मर्सिडीज B180 स्पोर्ट्स। ये पेट्रोल कार है, मर्सिडीज की छोटी गाड़ी है, ऑटोमेटिक और पैनारोमिक सनरूफ है इसमें। हाँ, ये ऑटोमेटिक सनरूफ भी है। हाँ जी, पैनारोमिक सनरूफ है। अच्छा, इसमें और 30,000 के आसपास चली है, 2014 मॉडल। 2014 मॉडल है। डीजल या पेट्रोल है सर? पेट्रोल, पेट्रोल है। हाँ, 2024 तक इसका रोड टैक्स। ये कितना सीटर आता है सर? वही, ये 5 सीटर है। 5 सीटर है। इंटीरियर देखिए इसका। इंटीरियर मैं आपको दिखाता हूँ, ऑटोमेटिक गियर है इसमें भी। गियर इसका हाथ में होता है, बहुत इजी टू ड्राइव है। ये गियर है, शिफ्टर गियर, शिफ्टर। हाँ जी, और ये जैसे देख रहे हैं इंटीरियर आप लोग को, और ऊपर में सनरूफ मैं दिखा देता हूँ। चाबी दे। ये कितना? 30,000 किलोमीटर चला हुआ है। 30,000 किलोमीटर चली है, 2014 मॉडल है, मर्सिडीज B180 स्पोर्ट्स। क्या प्राइस रखे हैं सर इसका? इसका हमने 1350 रखा है। 1350 कुछ इसमें नेगोशिएशन होगी ऑन द टेबल, नेगोशिएशन जरूर होगी। जब कोई सीरियस बार आएगा थोड़ी बहुत जरूर नेगोशिएशन करेंगे, फ़ोन पे नेगोशिएट नहीं करेंगे प्राइस। क्योंकि जिसने भी चीज़ लेनी है वो पहले चीज़ देखेगा, सीरियस बार देखेगा, लेने बैठेगा तो ज़रूर कम करेंगे ऑन द टेबल। अपनी पुरानी गाड़ी दे करके इसको ले सकते हैं, एक्सचेंज भी हो जाएगी। अच्छा, अपनी पुरानी गाड़ी दे करके एक्सचेंज भी हो जाएगी। हाँ, ये गाड़ी मैंने दिखा दी। और सर कौन सी गाड़ी है? ये जैगुआर है, सिर्फ 20,000 चली हुई गाड़ी है। जैगुआर 3 लीटर इंजन है, 20,000 किलोमीटर, पूरी ओरिजिनल पेंट, 1 रुपए का काम नहीं है इस गाड़ी में। अच्छा, गाड़ी किसी भी गाड़ी में हमारी कोई काम नहीं है, ब्रांड न्यू कंडीशन में है। 20,000 चली है, नीट एंड क्लीन इंटीरियर है इसका। ये जिससे हमने ली थी वो NRI है। अच्छा, तो इसलिए यूज़ नहीं करी उन्होंने। ये 20,000 किलोमीटर चली हुई है, NRI के हाथ से चली हुई है, वो USA में रहते हैं। अच्छा, इसलिए उन्होंने गाड़ी कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करी। अच्छा, है ना, थोड़ा इंटीरियर में। हाँ, 2012 मॉडल होने के बावजूद 3 लीटर इंजन है, 3 लीटर मतलब बहुत अच्छा पावरफुल इंजन है इसका। अच्छा, बहुत पिकअप है इस गाड़ी में, बहुत मतलब कह सकते हो आप एकदम डीजल रॉकेट है। अच्छा, है ना, तो इंटीरियर आप देखो इसका, नीट एंड क्लीन बिल्कुल। इसका न्यू में क्या प्राइस है सर? नई लगभग 60 लाख रुपए के आसपास है, पर अभी तो 3 लीटर आता नहीं है। अच्छा, 3 लीटर इंजन किसी को चाहिए, पावरफुल इंजन, तो ये बहुत बढ़िया गाड़ी है। टायर्स देख लो, हर चीज़ देख लो, सारी ब्रांड न्यू, सर्विस वगैरह हुई हुई है, कंप्लीट है, इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी है, कोई गाड़ी में 1 रुपए का काम नहीं है। अच्छा, क्या प्राइस रखे हैं सर आप इसका? 18 लाख रुपए की हमारी डिमांड है इसकी जी, बाकी निगोशिएट करेंगे, आएगा सीरियस बायर तो। अच्छा, उसमें हो जाएगा। हाँ। अच्छा, ये सर बताइए कौन सी मॉडल है ये? ये BMW X1 है जी, 2013 मॉडल। अच्छा, इसका पंजाब अमृतसर का नंबर है इसका, है ना, कोई पंजाब का बायर हो या उससे नॉर्थ इंडिया का बायर हो उसके लिए बढ़िया है। ये बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगी, 9.5 लाख रुपए में। 9.5 लाख में कितना किलोमीटर चला हुआ है सर? ये 45,000 चली है, सारी गाड़ियां हमारी विद सर्विस रिकॉर्ड हैं, कोई मीटर टेम्परिंग नहीं होती है हमारे पास, जो भी देंगे जेन्युइन देंगे। ये फर्स्ट ओनर है ऐसा? फर्स्ट ओनर, ऑल कार्स आर फर्स्ट ओनर कार्स, सिंगल हैंड मिंट कंडीशन में गाड़ी है, जो भी गाड़ी है किसी में कोई 1 रुपए का काम नहीं है।
इसका थोड़ा इंटीरियर आप दिखा दो। हाँ देख, इसमें भी ऑटोमेटिक आता है क्या? ये भी ऑटोमेटिक है, ज़्यादातर 99% प्रीमियम गाड़ियाँ ऑटोमेटिक ही होती हैं, है ना। मैनुअली अगर लेनी है तो किसी को फिर वो हुंडई ही मारुति लेगा, प्रीमियम गाड़ियाँ ऑटोमेटिक ही होती हैं ज़्यादातर। कितना किलोमीटर बताए सर ये? 45,000। कितना प्राइस बता दिए? 9.5 लाख रुपये। 9.5 लाख, थोड़ी बहुत निगोशिएशन होगी ऑन द टेबल। एक बार मैं पीछे से प्रोफाइल आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्या कंडीशन है गाड़ी का। X1 है ना? हाँ जी, BMW X1। नंबर भी दिखा दो, पंजाब नंबर है, पंजाब नंबर है, NOC ऑल ओवर इंडिया के लिए दे देंगे, है ना। ये सर बताए, BMW बताए सर, ये कब की गाड़ी है, कौन सा मॉडल है? 2013 320D लग्जरी लाइन है। अच्छा अच्छा, न्यू शेप में है गाड़ी। हाँ। बहुत अच्छी कंडीशन है, बहुत प्यारी लुक है गाड़ी की। अच्छा अच्छा, है ना। होंडा सिटी के प्राइस में मिलेगी, नई होंडा सिटी लेते हैं सनरूफ वाली तो आज 14-15 लाख रुपए के आसपास आ जाती है। अच्छा, तो उस प्राइस में हम आपको BMW 3 सीरीज दे देंगे। कितने किलोमीटर चला हुआ है? ये चली है 30,000 किलोमीटर। 30,000 किलोमीटर, ओनली 30,000। मॉडल कौन सा बताएं? 2013। ये ज़्यादा चली भी नहीं है, बहुत कम है। हाँ, क्या कोई डॉक्टर वगैरह के पास था क्या है? नहीं, डॉक्टर के पास नहीं थी, कलकत्ता में सारे ही डॉक्टर हैं, कोई ज़्यादा यहाँ यूज़ नहीं करता गाड़ियाँ। अच्छा, है ना, नॉर्थ इंडिया में जाते हैं, सारी गाड़ियाँ 1,00,000 किलोमीटर से ज़्यादा चली हुई मिलती हैं, यहाँ कम चली गाड़ी मिल जाती है। इसीलिए कलकत्ता, पूरे हिंदुस्तान से आदमी गाड़ी खरीदने आता है, यहाँ प्राइस भी कम है और गाड़ी भी अच्छी मिल जाती है। अच्छा, मुझे भी अपने लिए रखनी हो गाड़ी तो मैं कलकत्ता से ही परचेज करूँगा। क्योंकि आप कलकत्ता के हो इसलिए? नहीं, वैसे मैं दिल्ली का हूँ। अच्छा, दिल्ली के हो? हाँ, वैसे मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, बट क्या है ना, यहाँ हम बंगाल में सबसे अच्छी गाड़ी मिलती है, पूरे हिंदुस्तान से अच्छी गाड़ी बंगाल में मिलती है। हाँ, यहाँ कम चली मिलती है गाड़ी अच्छी, यहाँ डिसेंट लोग हैं, बहुत संभाल के रखते हैं गाड़ियाँ, इसलिए मेरी सारी परचेजिंग कलकत्ता से ही होती है। अच्छा, हाँ। ये फर्स्ट ऑनर है अभी? हाँ जी, जो भी कस्टमर लेगा बहुत खुश रहेगा, कोई भी गाड़ी सारी अच्छी, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह NOC वगैरह, किसी को नाम ट्रांसफ़र कराना हो, अभी हमारी एक ऑफ़र भी चल रही है, मैं आपको बता देता हूँ, लोकल कस्टमर के लिए नेम ट्रांसफ़र इज़ फ्री। अच्छा, 15 दिन के लिए। 15 दिन के लिए, 15 दिन के अंदर कोई भी गाड़ी स्पॉट बुकिंग करता है कस्टमर आके। हाँ। जो स्पॉट बुकिंग करेगा, फर्स्ट टाइम आएगा उसी टाइम गाड़ी बुकिंग करेगा या खरीदेगा, तो उसको नाम ट्रांसफ़र हम फ्री देंगे। बाहर का कस्टमर आएगा उसको NOC फ्री ऑफ कॉस्ट निकाल के देंगे। अच्छा अच्छा, कोई बेझिझक आए कस्टमर बाहर से, हम उसको बहुत अच्छी, उसको लगेगा नहीं प्रदेश में बैठे हैं, उसको चीज़ बाहर आएगा से आएगा कोई भी कस्टमर, उसको सारी सुविधा मिलेगी हर चीज़ की, ड्राइवर अरेंज कर देंगे, गाड़ी लेने आएगा, सारी सुविधा उसको मिलेगी। अच्छा अच्छा, क्या प्राइस है सर इसका? 14 लाख रुपये की डिमांड है। 14 लाख की डिमांड है, निगोशिएशन होगी ऑन द टेबल, होगी थोड़ा इंटरव्यू, फ़ोन पर निगोशिएट नहीं होगा। एक मिनट सुन लीजिए आप लोग, फोन पे कस्टमर पूछता है लास्ट कितना हो जाएगा, वो मैं नहीं करता। आप यहाँ आए, फोन पे मैं कम नहीं करूँगा, गाड़ी देखेंगे उसके बाद जरूर कम करूँगा। अच्छा, आकर के यहाँ पे गाड़ी देखे तभी आपको पता चलेगा। फिलहाल इंटीरियर आप लोगों को दिखा देते हैं और पीछे का प्रोफाइल। तो ये इंटीरियर देख रहे हैं, इसमें भी ऑटोमेटिक गियर है सर? हाँ भैया, सारी ऑटोमेटिक होती है प्रीमियम गाड़ियाँ। हाँ जी, 14 लाख ना सर? हाँ जी। और ये मैं थोड़ा पीछे का प्रोफाइल दिखा दे रहा हूँ। अब मैं लास्ट गाड़ी की तरफ आता हूँ, जो कि है ये लैंड रोवर। सर इसके बारे में पता है सर, ये काफ़ी बॉम गाड़ी है, आप पर्सनली इसको यूज करते हो? नहीं, यूज़ तो मैंने काफ़ी करी है इसको, बट गाड़ी तो बहुत अच्छी है तभी यूज़ करी है। अच्छा अच्छा, ये 2015 का मॉडल है। अच्छा। लैंड रोवर फ्रीलैंडर 2 विद लॉट्स ऑफ एक्स्ट्रा फिटिंग्स, बहुत एक्स्ट्रा फिटिंग्स है इसमें, बहुत स्पेस है अंदर, बहुत लेगरूम, बहुत अच्छा है। कितना किलोमीटर चला हुआ है सर ये? ये 50,000 किलोमीटर चल चुकी है, 50-55 के आसपास अप्रॉक्स, है ना। इंटीरियर आप इसका देख सकते हो, लेगरूम दिखाओ कितना अच्छा लेगरूम है इसका, बहुत स्पेसियस है, पैनारोमिक सनरूफ है। हाँ हाँ, सब में। सर इसमें डबल सन ग्रुप दिया हुआ है? हाँ जी हाँ जी। फर्स्ट ओनर है या सेकंड ओनर है ये?
फर्स्ट ओनर, ऑल कार्स आर सिंगल एंड फर्स्ट ओनर ड्रिवन कार्स होती है हमारे पास ज्यादातर, मोस्टली। सेकंड ओनर तभी लेते हैं अगर कंडीशन अच्छी होती है। क्या प्राइस है सर इसका? इसको हम बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में देंगे, सिर्फ 21 लाख रुपए में, 21 लाख। न्यू में क्या प्राइस है? न्यू ये मॉडल अब डिसकंटिन्यूड है, तो वैसे जब था तो 60 के आसपास था। 60 के आसपास था, आपने दे रहे हैं 21 लाख में। अभी के जो मॉडल आ रहे हैं उसमें स्पेस नहीं है और ऐसी क्वालिटी भी नहीं है। हाईवे की गाड़ी है, हाईवे पे हमने इसको बहुत, यहाँ से कश्मीर तक भी नॉनस्टॉप ड्राइव करी है मैंने ये गाड़ी। अच्छा, है ना, नॉनस्टॉप तो क्या, खैर बीच में तो ब्रेक लगती है, दो चार जगह मतलब स्टे करते हुए जाते हैं, बट गाड़ी लंबी चलाने लायक है। एवरेज वगैरह इसकी, बैलेंस, रोड ग्रिप बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, तो ऑलरेडी गाइस यहाँ तक जो लग्जरी प्रीमियम गाड़ी था मैंने दिखा दिया। एनीवे सर, थोड़ा फाइनेंस के बारे में थोड़ा बता दीजिए, लोकल जगह के लिए, अगर बाहर के लोगों के लिए अगर फाइनेंस करा के लेना चाहते हैं तो उनके बारे में क्या कहना? नहीं, बाहर के लोगों के लिए फाइनेंस हम नहीं करा सकते, वो उसको अपने आप मैनेज करना है, वो पेमेंट अपने पास से करके गाड़ी ले जाएं, उसके बाद अपना वहाँ पे जाके उनको फाइनेंस वो करा लें लोकल बैंक से। अच्छा अच्छा, हाँ, उनके नाम कराने की जिम्मेवारी हमारी है, NOC प्रोवाइड हम कर देंगे। अच्छा, NOC आप प्रोवाइड करा दीजिए। NOC प्रोवाइड करा देंगे, कहीं का भी बायर हो उसके वो बोलेगा उसके नाम करवानी है तो नाम भी ट्रांसफ़र करा देंगे। ओनरशिप ट्रांसफ़र हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अच्छा, और 15 दिन के अंदर कोई भी कस्टमर आता है और स्पॉट बुकिंग करता है तो उसको ओनरशिप ट्रांसफ़र फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक चीज़ और है सर, ये एड्रेस बता दीजिए किस जगह पे है थोड़ा। हमारे यहाँ पे 3 आउटलेट हैं जी, ये सॉल्ट लेक सेक्टर 2, सॉल्ट लेक सेक्टर 2 में हमारे 3 आउटलेट हैं। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं DR मोटर्स, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है DR मोटर्स यूज्ड कार डीलर्स का। अच्छा, आप उसको भी देख सकते हैं। लोकेशन के लिए आप गूगल पे सर्च मारिए DR मोटर्स, आपको लोकेशन के लिए आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। हाँ, यहाँ का मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करिएगा ना तो आप कहीं भी रहोगे, दिल्ली में हो या वहाँ से आपको किलोमीटर डिस्टेंस दिख जाएगा। हाँ, तो आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं कि कहाँ पे एग्जैक्ट यहीं का मिलेगा। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया, तो पसंद आया तो एक लाइक कर दिएगा, और जो लोग इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन ऑन करिए। अभी हम आपको और दूसरी गाड़ियां दिखाते हैं, और दूसरी गाड़ी आने वाली बहुत जल्दी वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत जल्दी आने वाली है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, और नेक्स्ट गाड़ी हम लोग बहुत जल्द लाते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।